उत्तराखंड के रुड़की में आजकल जगह जगह खुलेआम अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन निर्माणों पर कार्रवाई करने वाला विभाग हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पूरी तरह से चुप नज़र आ रहा है। यह कह रहे हैं कि विकास प्राधिकरण की मिली भगत से ही यह निर्माण जारी है, इसीलिए अवैध निर्माण करने वाले भवनों के मालिक धड़ल्ले से कार्य कराए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी शिकायत करने के लिए विकास प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव बंसीधर तिवारी से हमने इस मामले में बात की तो उनका कहना है कि अवैध निर्माणों पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। कल भी हमने एक भवन को सील किया, आज भी हमने एक भवन पर चल रहे कार्य को रुकवा दिया है। सचिव बंसीधर तिवारी जिस भवन के कार्य को रुकवाने की बात कह रहे हैं, उस भवन पर अभी भी कार्य जारी है और जिन भवनों को सील किया गया है वहां भी लगातार कार्य किया जा रहा है। लगातार बिना नक्शे पास कराए शहर के अंदर अवैध निर्माण चल रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, आप विगत में भी आप दे चुके हैं कि अवैध निर्माण पर लगातार हमारी सीलिंग की कार्रवाई जारी है। कल भी हमारे दो स्ट्रक्चर जो अवैध निर्माण बन रहे हैं उनको सील करेंगे और अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी सर एक जगह से शिकायत की गई थी, कुछ उसमें रुकवा दिया काम? हाँ बिल्कुल, मेरे संज्ञान में लाया गया है, कार्य हमने रुकवा दिया, सुनवाई डेट लगी है और उसकी सीलिंग की कार्रवाई की। उत्तराखंड के रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।